manifesto comes from the Congress. They also said that if they will be in the power, they will work for the Army Special Force, AFSPA. So they will also try for ये आज मैनिफेस्टो में उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात है. काश उन्होंने ये बात तब की होती जब मैं इस रियासत का वजीर आला था. उस वक्त मैंने जब अफसपा को हटाने की बात की थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए, लेकिन उस बात की के खिलाफ साजिशें कुछ कांग्रेस के ही दोस्तों ने की. अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो कश्मीर के कुछ सीनियर लीडर थे जिन्होंने उस वक्त मेरी कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए साजिशें रचाईं. उस वक्त मुझे सिर्फ अगर कहीं से सपोर्ट मिला वो जनाब चिदम्बरम साहब से मिला. तो अगर आज कांग्रेस ने ये कहा है कि वो अफसपा को उठाने की कोशिश करेंगे, मैं इस चीज़ को वेलकम करता हूँ. काश, चलिए देर आए दुरुस्त आए, अगर ये बात 2014 से पहले उन्होंने की होती तो आज हमने इस रियासत के कई इलाकों से अफसपा को हटाने का काम किया होता. नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी कि पब्लिक सेफ्टी हटाने की कोशिश, लेकिन कल आपने अगर जो आपने तो वैसे भी तकरीर में जिक्र किया अमित शाह का भी, उसने पर्टिकुलरली ये बात दोहराई कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 या जो 370, ये एक मेन रास्ता है कश्मीर इशू को सॉल्व करने का. इससे इशू सॉल्व नहीं होगा, इससे आपका इशू बढ़ेगा. एक तो बात, पहली बात ये, 370 को आप हटा नहीं सकते हो जब तक कि आप दोबारा से इलहाक पे बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे. हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा बनी जब आपने 370 के तहत इस रियासत को एक खसूसी दर्जा दिया, हमारा अपना झंडा, हमारा अपना आईन और कई सारी और चीज़ें. अगर आप उनको ख़त्म करोगे और दूसरी तरफ से आप कहोगे कि ये रियासत इस मुल्क का हिस्सा जो है वो बनी रहेगी, हो ही नहीं सकता.